हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एमजेड लर्निंग। फ्रेंड्स आज हम अपनी हाउ टू यूज़ ए मैक सीरीज में सीखेंगे कि हम अपने मैक के सेकेंड एप्लीकेशन फोल्डर तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स ये तो हम सब जानते हैं कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी तमाम एप्स बाई डिफॉल्ट एप्लीकेशन फोल्डर में स्टोर होती हैं और हम अपनी इस एप्लीकेशन फोल्डर तक अपने फाइंडर की साइड बार या गो मेन्यू से क्विकली रसाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम मैक यूजर ये बात जानते हैं कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सेकेंड एप्लीकेशन फोल्डर भी होता है जिसमें चंद यूजफुल एप्स स्टोर होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम अपने इस सेकेंड एप्लीकेशन फोल्डर और इसमें स्टोर एप्स तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अपने मैक के इस सेकेंड एप्लीकेशन फोल्डर तक कई तरीकों से पहुंच सकते हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड की कमांड शिफ्ट और जी की को एक साथ प्रेस करके अपने गो टू फोल्डर को एक्टिवेट करें और इसमें ऑन स्क्रीन दिया हुआ एक छोटा सा पाथ टाइप करें। डोंट वरी, आप ये पाथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके अपने गो टू फोल्डर में पेस्ट भी कर सकते हैं। पाथ को टाइप या पेस्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड की इंटर या रिटर्न की को प्रेस कर दें एंड बूम, हम अपने मैक के सेकेंड एप्लीकेशन फोल्डर तक आ चुके हैं और यहाँ पे हमें चंद यूजफुल एप्स देखने को मिलेंगी, जस्ट लाइक ये स्क्रीन शेयरिंग ऐप, एप्पल डीवीडी प्लेयर, आर्काइव यूटिलिटी और स्टोरेज मैनेजमेंट वगैरह। अब अगर आप चाहें तो फॉर इजी एक्सेस इस पूरे के पूरे एप्लीकेशन फोल्डर को अपने डॉक पे ऐड कर लें या फिर इस एप्लीकेशन फोल्डर से अपने नीड के मुताबिक एप्स को अपने डॉक पे ऐड कर लें। अब आप जस्ट वन क्लिक से अपने एप्लीकेशन टू फोल्डर की ऐप तक रसाई हासिल कर सकते हैं। बाय द वे स्टोरेज मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट मैक ऐप जिसके जरिए आप अपने मैक की स्टोरेज को वेल मेंटेन कर सकते हैं। और नॉर्मली इस तक पहुंचने के लिए हमें पहले अबाउट दिस मैक, फिर स्टोरेज और फिर मैनेज पे क्लिक करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स होप यू गेट द आइडिया। एंड वन मोर बोनस टिप, अगर आपको अपने सेकंड एप्लीकेशन फोल्डर में मौजूद एप्स के नाम पता हैं, तो आप स्पॉटलाइट के जरिए भी इन एप्स को क्विकली सर्च और ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर टू सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द मैकOS से रिलेटेड एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश रहिए और MZ लर्निंग देखते रहिए। Thank you so much for watching. Have a nice day.